उत्तराखंड में इस वक्त विकास परियोजनाओं की लड़ी लगी हुई है। कहीं चार धाम यात्रा के तहत सड़क चौड़ीकरण ऑल वेदर रोड बनाने का काम चल रहा है, तो कहीं रेलवे लाइन के लिए टनलिंग का काम चल रहा है। ऐसे में इन्वायरमेंटलिस्ट और जियोलॉजिस्ट सवाल उठा रहे हैं कि इस जहां एक तरफ ये विकास कार्य बेहद ही जरूरी है, वहीं जिस रफ्तार से ये काम किए जा रहे हैं, ये परियोजनाएं लागू हो रही हैं, उससे उत्तराखंड में पहाड़ दरक रहे हैं, जमीन धस रही है। 2023 की शुरुआत जोशीमठ जैसे बड़ी आपदा से हुई थी, जिसने जोशीमठ, जो ज्योतिर्मठ भी है, सबसे पुराना एक स्थान भी है सनातन धर्म का, आस्था का स्थान, वहां जमीन दरक रही थी और पूरे के पूरे शहर पर खतरा मंडरा रहा था। तो 2023 के अंत तक उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल जैसा हादसा होता है। ऐसे में जो सवाल इन्वायरमेंटलिस्ट और जियोलॉजिस्ट उठा रहे हैं, वो वाजिब लगते हैं कि एक तरफ जहां विकास कार्य, विकास परियोजनाएं बहुत ही जरूरी हैं, लेकिन जिस रफ्तार पे ये काम किया जा रहा है, क्या उसकी वजह से उत्तराखंड पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वीडियो सहयोगी दीपक बिष्ट के साथ मैं अमित भारद्वाज, उत्तरकाशी,